दोस्तों भारत में जब से कोविड आया था ना, उस टाइम के बाद काफ़ी कंपनियों ने अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लोग काम करने लगे उन चीज़ों पे। इसी कड़ी में दोस्तों एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की, जो कि खुद को उस टाइम डिजिटल मोड पर बहुत ज़्यादा लेके आई, और इतना इन लोगों ने डिजिटल मोड का यूज किया, या ये भी कह सकते हैं कि मिस यूज किया इन लोगों ने उस चीज़ का इतना ज़्यादा, कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी कोई भी डिटेल शेयर करना आज के समय में आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी ही मैं एक आज रिकॉर्डिंग आपको सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने लिंक्डइन पे अपना नंबर शेयर किया था, तो एक लड़की मुझे कॉल करके क्या बोलती है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर जाननी है पूरी सच्चाई इन नकली लोगों की तो आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस्ड पर, जहाँ पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। हेलो, या हेलो, गुड इवनिंग शुभम, बात कर रहे जी? गुड इवनिंग या शुभम, मैं समरा बात कर रही हूँ। मुझे आपकी रेफरेंस आई थी लिंक्डइन के थ्रू। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था ना, एज ए पार्ट टाइम एंड फुल टाइम के लिए, राइट? बताइए। ओके फाइन, क्या मैं आपका नेम कन्फर्म कर सकती हूँ? शुभम मित्तल। वैसे आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो शुभम? यूपी में मेरठ से। ओके, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, वॉइस से बोल सकते हो? यूपी में मेरठ से। ओके ओके फाइन, क्या मैं आपकी एज कंफर्म कर सकती हूँ? ये 28। लाइक करेंटली आप अभी वर्किंग हो या स्टडी स्टार्ट करें? वर्किंग। अच्छा, किस फील्ड में करें आप अभी वर्क? हाँ जी, किस फील्ड में वर्किंग हो आप अभी? अच्छा, कितने टाइम का वर्क एक्सपीरियंस है आपको? लगभग 7 साल हो। अच्छा, वैसे अभी आप क्या सर्च करें थी, एज ए पार्ट टाइम और फुल टाइम? फुल टाइम ही देख रहा हूँ मैम। ओके ओके, वैसे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन? बीटेक। अच्छा, सो आई थिंक आप अभी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम सर्च करें होंगे, राइट? या वैसे ऑब्वियसली बात है ना शुभम की आपको भी वर्क डिटेल्स चाहिए होगा, राइट? बिल्कुल चाहिए होगा मैम। अच्छा, आप मुझे अपना थोड़ा ब्रेवली शेड्यूल बता सकते हो कि आप कब फ्री होते हो, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग? मॉर्निंग में होता है। ओके फाइन, अच्छा मैं अब आपको ना जो भी वर्क डिटेल्स बता रही हूँ शुभम प्रॉपरली सुनना है, ठीक है? या एक्चुअली ना जो भी वर्क डिटेल्स होते हैं हम लोग वाया जूम मीटिंग क्लियर कराते हैं, जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, वहीं पर आपको आज कंप्लीट प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लाइक प्रोफाइल, बैकग्राउंड, इनकम क्राइटेरिया, रूल्स एंड रेगुलेशन भी प्रोवाइड की जाएंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये आपका जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली ना ये हम लोग की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है बिलीवर्स लेके, ठीक है? अभी जो हायरिंग हो रही है ना बिजनेस एनालिटिकल एंड डेवलपमेंट की हो रही है, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको मल्टीपल रोल्स प्रोवाइड की जाती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर मैनेजर का पोस्ट होता है। ओके, कंपनी कौन सी? टोटली ये हम लोग की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है बिलीवर्स लेक है, ठीक है? वेबसाइट का लिंक भेजेंगे आपकी ज्वाइन, सॉरी, वेबसाइट का लिंक भेजेंगे अपनी कंपनी को? एक्चुअली ना जो मीटिंग है ना वहीं पर, इसलिए तो मीटिंग कंडक्ट की जाती है ना, वहीं पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ये लड़की यहाँ पे बचती हुई नजर आई। तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने कहीं पे काम नहीं किया है और आप कहीं पे मान लीजिए जॉब सर्च कर रहे हैं, या आप कोई अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आप इन जैसे नकली लोगों के मतलब झांसे में आ गए हैं, या मतलब आपकी इनसे बात हुई है, तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट का नाम पूछिए, इनकी कंपनी का नाम पूछिए, वहीं पर आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि ये लोग अपनी कंपनी का नाम बताने में या तो डरते हैं या ऐसे बताते हैं जैसे कि सामने वाले को कुछ पता ही ना चला हो, है ना? तो ये देखो जैसे इस लड़की ने बोला कि नहीं आप जूम मीटिंग में आएंगे वहाँ पे सब पता चलेगा, तो यहीं पे समझ जाओ कि ये कुछ ना कुछ झोल झपाटा जरूर है। क्योंकि जो रियल कंपनी होती है ना उसको कुछ भी ऐसी चीज़ बताने में दिक्कत नहीं होती है, और अगर किसी भी कंपनी की रियल वैकेंसी होती है ना कहीं पर, अगर वो मान लीजिए जॉब भी दे रहे हैं या मान लीजिए कहीं पर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उनके जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं उन पर ज़रूर होता है। बट यहाँ पर तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने मतलब बेवकूफ़ बनाने का जो भी हो सकता है, मतलब इस लड़की का मतलब जो बिजनेस होगा, नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, कोई सा भी धंधा हो सकता है, तो मतलब इन जैसे लोगों ने ना मतलब बिल्कुल बेकार बना रखा है मार्केट को। तो इन जैसे लोगों के जाल में मत फंसिए दोस्तों। कोई लड़की भी अगर आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही है ना तो मत फंसिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बस यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को ये पता चल सके कि नकली और जालसाज लोगों से जो MLM के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं उनसे कैसे बचना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ।